अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल तुलीन्स व्लॉग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू अबाउट साइप्रस। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम कि मैं कब अपना एक्सपीरियंस जो है आकर आप लोगों से शेयर करूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस द सेम जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहां पर। सो दिस वीडियो इज प्रोबेबली गोना बी द पार्ट वन। इफ आई मिस एनी ऑफ द पॉइंट, कोई बात नहीं, हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उस पॉइंट को डिस्कस कर सकेंगे। सो आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट। दो तरह के साइप्रस हैं, एक है साउथ और एक है नॉर्थ। तो हम बात करने वाले हैं नॉर्थ की। अच्छा, तो नॉर्थ साइप्रस जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है, और मैं आप लोगों को इसलिए इस बारे में बता रही हूँ क्योंकि जब मैं वहां जा रही थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस में क्या डिफरेंस है। बट खैर, स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज गोना बी लंबी, लेकिन मैं इसको छोटी करने की कोशिश करूंगी क्योंकि दिस इज पार्ट वन एंड मैं चाहती हूँ कि पार्ट्स में बनाकर मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्लान कर रहे हैं साइप्रस जाने के लिए और जिनको लगता है कि वो वहां जाकर जो है पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही साथ जॉब कर सकेंगे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप वहां जाएंगे, बहुत से लोगों ने एक ये बात फैलाई हुई है कि साइप्रस जो है, नॉर्थ साइप्रस जो है वो पढ़ाई के लिहाज से बहुत सस्ता है। बिल्कुल गलत है ये, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जब हम लोग वहां जाएंगे पढ़ाई के लिए तो वहां जाकर कमा कर हम अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकेंगे। दैट्स ऑल रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जॉब्स के बारे में कि वहाँ पे किस तरह की जॉब्स मिलती हैं और किस तरह की जॉब्स नहीं मिलती। बिकॉज एवरी वन ऑफ अस, वी रियली वांट टू सपोर्ट आवर फैमिली। हम चाहते हैं कि हम लोग जब वहाँ जाएं तो हम अपनी फैमिली को थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से ईज देने की कोशिश करें कि हम वहाँ जॉब करके कुछ ना कुछ जो है अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेंगे, अपने खाने पीने का खर्चा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि वहाँ पर जो है ना वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। आई थिंक जितने भी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। और जहाँ तक बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स की, तो आपको ब्लू कॉलर जॉब्स, अच्छा लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट अबाउट वाइट कॉलर जॉब्स एंड ब्लू कॉलर जॉब्स कि ये क्या है। तो ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में आप वेटर लग जाएं, प्लम्बर हो जाएं, कार वॉश जो है वहाँ पर आप लग जाएं। और वाइट कॉलर जॉब जो होती है किसी भी ऑफिस में जॉब करना, जो हम सब चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वहाँ पर। तो मेरी ये वीडियो बहुत से पेरेंट्स भी देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं और वो बहुत कंफ्यूज हैं कि नॉर्थ साइप्रस कैसा है, बिकॉज माय फैमिली दे वर वेरी मच कंफ्यूज एंड दे डिडंट नो अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कौन चाहता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेजें और वो मेहनत मजदूरी करें और अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करें। हम सब जो है वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, एवरी वन दे वॉन्ट टू गो एंड स्टडी देयर। और साथ में अगर वो अपनी जॉब स्टार्ट कर लेंगे तो उनकी पढ़ाई जो है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। हम लोग के माइंड में होता है कि चलो यार मेहनत मजदूरी करके हम पैसे कमा कर अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी है। लेकिन लेट मी टेल यू हियर कि पढ़ाई के साथ साथ आप कभी भी काम को लेकर नहीं चल सकते, और काम के साथ साथ आप कभी भी पढ़ाई को लेकर नहीं चल सकते हैं। आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडीज़ हैं वो सेक्रीफाइस होती ही हैं। तो यहाँ पर तो हो गई जॉब की बात, अब मैं बात करने वाली हूँ रहें कहाँ। ठीक है, हम सबका सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि वहाँ जाकर हमने रहना किधर है। हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तो डॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं, लेकिन अगैन यू हैव टू पे अ डबल अमाउंट फॉर इट एंड वी ऑल वॉन्ट टू सेव दैट अमाउंट। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर जाकर जो है रूम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगैन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को भी कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आई विल प्रेफर यू गाइज कि आप जो है डॉर्म्स यूज़ करें इफ़ यू हैव इनफ मनी। लेकिन अगर आप बाहर रहने की जो है ना वो पिक्चर बनाई हुई है कि हम लोग बाहर रह कर एक घर, किसी के घर में जो है एक रूम ले लेंगे, और आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू विल हैव टू गो थ्रू। मैं वहाँ गई तो आई वॉन्टेड टू प्ले स्मार्ट। मैंने कहा क्यों मैं डोम के जो है पैसे ज़्यादा डबल डालूं, वाई नॉट आई शुड गो फॉर एन अपार्टमेंट जहाँ पे कोई फैमिली रहती है उनके साथ मिलकर एक रूम शेयर कर लूँ एंड देन उनको मंथली जो है उनको रेंट पे करूँ। तो आई थिंक दैट वॉज द वर्स्ट एवर डिसीजन आई हैव मेड इन माई लाइफ।
जिस वजह से जो है मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, विच आई एम गोना बी शेयरिंग इन माय अनदर वीडियो इंशाल्लाह ताला। अगर तो आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है वहां जाने के लिए और आपके पैसे भी पे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगी कि गो फॉर अ डोम ऑप्शन रादर देन गोइंग टूवर्ड्स अ चीपर ऑप्शन, किसी के अपार्टमेंट में शेयरिंग में रूम ले लेना, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट टू लिव विद देम। और वहां पर जितनी भी फैमिलीज रह रही हैं वो सारी की सारी जो है माशाल्लाह से, मैं क्या ही कहूँ। तो जब मैं साइप्रस गई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर जो है इंग्लिश नहीं बोली जाती, और सबसे बड़ा मेरा मेन इश्यू यही आया था, लैंग्वेज। और अगर तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, पीपल विल ट्राई टू डॉज यू, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो आपको डॉज करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इफ़ यू नो द लैंग्वेज देन यू आर ओके टू लिव देयर, बट इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज फिर आपका गुजारा वहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में जो है मैं बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया, बिकॉज माय फैमिली, आई हैव बीन लिविंग इन यूएई फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन गल्फ, तो मुझे तो यहाँ का एक्सपीरियंस था कि चलो मुझे ऐसा लगा कि जैसा यूएई है या जैसा सऊदी है या जैसा कोई और कंट्री है, गल्फ है, वैसा साइप्रस भी होगा खूबसूरत सा। पर जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बहुत इशू फेस किया, लैंग्वेज का मैंने बहुत इशू फेस किया। अच्छा, मुझे रहने की अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, लोग अच्छे नहीं मिल रहे थे, पीपल वर ट्राइंग टू यू नो डॉज मी। एंड फिर जब मैं सुपरमार्केट्स जाती थी वहाँ पर हर प्राइसेस जो थी दे वर नॉट रिटन इन इंग्लिश, दे वर रिटन इन टर्किश लैंग्वेज, एंड देन बहुत सी चीज़ें जो हैं मेरे लिए मुश्किल होना स्टार्ट हो गई। एंड समहाउ इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी as compared to UAE, यहाँ पे आई थिंक बहुत सी चीज़ें जो हैं इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे जो चीज़ें थी वो ज़्यादा डबल प्राइसेस में मुझे ऐसा लगता था कि हैं। सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई थी कि मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में इतना रिसर्च नहीं किया था। माई फ्रेंड्स वर स्टडिंग देयर, तो मुझे लगा शायद यूनिवर्सिटी अच्छी होगी बिकॉज दे आर स्टडिंग देयर ना, तो उनको कोई इश्यू नहीं, और उन लोगों ने मुझे इतना अपडेट नहीं किया था उस बारे में, लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था, बिकॉज आई बिलीव हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। उन लोगों का एक्सपीरियंस अलग था मेरे से, दे वर इन्जॉइंग देयर, एंड जब मैं वहाँ गई मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था, ऑपोजिट था। और क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से साइप्रस गए थे और मैं जो हूँ आई वॉज लिविंग इन यूएई फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे ऐसा लगा कि शायद चीज़ें सेम है यहाँ जैसी हैं वहाँ पर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो यूनिवर्सिटी जो है, मैं सबको यही कहना चाहूँगी, जितने भी मुझे पेरेंट्स इस टाइम देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स इस टाइम देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूँगी, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो उसके बारे में बहुत रिसर्च कीजिए, उसके बारे में रिव्यूज़ देखिए गूगल पे, और उसके बारे में स्टूडेंट्स से, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सर्च करें और उनसे बात करना स्टार्ट करें कि ओके व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस। कुछ लोगों के अच्छे होंगे, कुछ लोगों के बुरे होंगे, और कुछ लोग आपको मिक्स तरह के जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो ज़रूर जो है रिसर्च करना मत भूलिएगा, वरना आपका सेम मेरी तरह एक्सपीरियंस होगा जैसे आज मैं आपको बैठकर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट यूनिवर्सिटी, बिकॉज इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी का नहीं हो सकता जितना मेरा है उन लोगों की वजह से। मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगी इस वीडियो में, बट मे बी इन फ्यूचर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट यूनिवर्सिटी, एंड आई रियली वॉन्टेड टू, क्योंकि यू नो यू फील रियली हर्ट वेन दे डोंट सपोर्ट यू एंड दे डोंट यू नो आस्क अबाउट यू। जब मैं वहाँ गई थी तो 5 दिन बाद जब मैंने अपना इंग्लिश, अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, जब आप वहाँ जाते हो हर यूनिवर्सिटी जो है आपको सबसे पहले आपका इंग्लिश टेस्ट लेती है, तो जब मैंने अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया था उसके 5 या 2-3 दिन बाद जो है यूनिवर्सिटी ही बंद हो गई थी और फिर मुझे जो है घर पर रहना पड़ा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम उस यूनिवर्सिटी ने जो है मुड़ के पूछा ही नहीं कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स किस हाल में रह रहे हैं, क्योंकि वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर एंड उनका हक बनता है हम लोगों को पूछना। एंड आई रिमेम्बर जब वहाँ की कोई एडमिन थी, मैंने उनको बताई ये बात कि आप लोगों का हक बनता है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग अभी नए नए आए हैं, बिकॉज आई वॉज न्यू देयर, मुझे कुछ भी नहीं पता वहाँ पे। जब मैंने उस एडमिन जो थी वहाँ की, माशाल्लाह से मैंने उनको जब बोला कि यू शुड हैव आस्क्ड अस कि हम किस सिचुएशन में हैं यहाँ पे, एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स यू नो दैट कितना मुश्किल फेस करनी पड़ी है सबको, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इट वाज जस्ट नॉट मी, इट वाज एवरीवन आउट देयर। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट आई विल टेल यू कि आई आस्क्ड दैट लेडी दैट
जो भी आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, क्या आप लोग उनको यहाँ पे बुला के उनसे पैसे लेके आप उनको साइड पे कर देते हो? एंड शी वाज लाइक, यू गाइस, आई एम नॉट योर मदर. आई वाज लाइक, ये मतलब दिस आंसर वाज रियली, कहते हैं ना, थप्पड़ मार देने वाला होता है. इस आंसर से मुझे ऐसा भी लगा कि दिस यूनिवर्सिटी इज जस्ट आफ्टर योर मनी. और जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आपसे बड़े कूल बन के बात करेंगे, आपको गुड ब्राइट पिक्चर दिखाएंगे. और जब आप पाकिस्तान से या किसी भी जगह से आपको लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी में, तो बस फिर जी वो आपको छोड़ देंगे और आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है सिवाय पैसों का. आई थिंक विच वॉज रियली रॉन्ग. बस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी थ्रू दिस वीडियो, वेन एवर यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी और वेन एवर यू आर चूजिंग अ कंट्री या कोई जगह जाना चाह रहे हैं आप लोग, हमेशा रिसर्च करना बहुत जरूरी है. और बिना रिसर्च के जब आप जाओगे तो बस फिर मेरे जैसे आपको एक्सपीरियंस जो है फेस करना पड़ेगा. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड जितने भी पॉइंट्स जो थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो हो चुके हैं. और कोई भी अगर मिस हो चुका हुआ तो इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस और फिर आप लोगों से और डिटेल में आप लोगों से मैं बात करूंगी. तो चले, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक इट एंड डू शेयर इट जिनको आप चाहते हैं कि वो ये वीडियो सुनना लाजमी है उन लोगों के लिए. तो ज़रूर लोगों से शेयर कीजिएगा कि वो कभी भी जो है ऐसा एक्सपीरियंस ना करें. So take care of yourself. I'll see you guys in my next video. Till then, Allah Hafiz.